बताया कि सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनरली लोगों में है नहीं, लड़कियों में है नहीं. सो प्लीज़ अगर आपने उसकी वैक्सीन नहीं ली है, करने के लिए मैं मीटिंग्स कर लेती हूँ, बट देन आई एम नॉट इंक्लाइंड ऑन डूइंग दैट. सबसे पहले क्या कहेंगे, दिन की शुरुआत काफी अच्छी हुई है, भाई का बर्थडे है और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है साथ में फैमिली. क्या कुछ है? लंच के लिए आए थे और मुझे पर्सनली जापानीज क्यूजीन अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा था कि घर में और भी लोगों को पसंद आना चाहिए, तभी हम जाके खा सकते हैं. सो आई थिंक दिस वॉज लाइक द वेरी फर्स्ट टाइम जब मम्मी को भी यू नो जापानीज क्यूजीन, और थोड़ा सा अच्छा लगा. मम्मी ने भी पेट भर कैसे खाया कि हाँ ठीक है अच्छा खाना है. And it was fun. हमारे यहाँ पे बर्थडेज काफी हम सिंपल अभी तक तो मनाते रहे हैं, so it's a very simple cozy birthday for my brother as well. जी, कार की बात करूँ, काफी लग्जरी कार और ड्रीम कार होती है सबकी, भाई एक बड़ी कार हो. क्या कुछ यादें जुड़ी थी जब कुछ बताना चाहे तो? पता नहीं, कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा था. मतलब अगेन, कार इज समथिंग जो कभी मेरा प्रायोरिटी या कभी मेरा उसमें था नहीं कि भाई मुझे कार चाहिए ही चाहिए. आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू बाय वन कार, बट देन मेरे पास ऑलरेडी कार है, तो मतलब वो मेरा पर्पस सॉल्व कर रही थी. बट देन दिस ईयर आई वाज लाइक यार इट्स बीन अ वाइल, जनरली ऐसे कुछ खरीदती नहीं हूँ मैं, तो बिकॉज प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें अलग हो जाती है एंड कार इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो देन वी वर लाइक कि नहीं, इस बार तो मुझे लेनी है गाड़ी. तो फिर मैम की जिंदगी में ऐसी और गाड़ियाँ जुड़ती ही चली जाए, मैं तो यही कहूँगा आपको. और लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, मुनावर हालांकि बिग बॉस हो या फिर खतरों के खिलाड़ी हो, आप अपने ओपिनियन बखूबी देते हो, आप कब कोई रियलिटी शो में? मैं कब किसी रियलिटी शो में आऊँगी यार, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली. मैं करने के लिए मैं मीटिंग्स कर लेती हूँ, बट देन आई एम नॉट इंक्लाइंड ऑन डूइंग दैट. आई डोंट, इट्स जस्ट माई पर्सनल चॉइस. तो जब कभी ऐसा मुझे सडनली मन करेगा कि नहीं आई रियली वॉन्ट टू डू इट, आई डू इट. बट बिकॉज इस अभी अगर आप देखेंगे तो एवरीबडी इज टू क्रेजी फॉर गेटिंग इन टू अ रियलिटी शो, डूइंग अ रियलिटी शो, बिकॉज इट्स एवरीथिंग वेरी ईजी. तो मेरा वो रास्ता नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ. सो मुनावर के लिए कुछ कहेंगे? कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग सेकंड, दूसरा रियलिटी शो उन्होंने जीता, सो सेकंड रियलिटी शो. एंड या बेस्ट विशेस. नाजी सैड न्यूज़ जो हुई है आज, एक वो अगर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दे अपने फैंस को लेकर. मैंने अभी भी बताया, पहले भी बताया कि सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनरली लोगों में है नहीं, लड़कियों में है नहीं. सो प्लीज़ अगर आपने उसकी वैक्सीन नहीं ली है, प्लीज़ गो गेट द वैक्सीन. ऐसे भी अपने गायनेक से कंसल्ट कीजिए. एंड आई मीन या जो भी हुआ है, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता है कब क्या हो सकता है. सो हेल्थ का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Regular checkups and all of that is very, very important. And lastly, I just would want to say that I hope may her soul rest in peace. अपने फैंस के लिए मैसेज, और कब कहाँ कितनी जल्दी आपको देखेंगे, हमारी हिली जी को देखेंगे हम? जल्दी देखेंगे. I mean, TV show, I'm not sure कितना जल्दी, but बाकी और projects hopefully साल में आने चाहिए. धन्यवाद जी.